अब मैं यहाँ पे आपको पिक्चर टेस्ट दिखा रहा हूँ जैटको युवा अल्ट्रा का। ओलेड टेस्ट करता हूँ मैं, एक ओलेड टेस्ट आता है अपने उसमें यूट्यूब में, जो टीवी के लिए होता है, ओलेड टीवी के लिए, लेकिन उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं जो जैटको युवा अल्ट्रा है उसको अपने नॉर्मल वॉल पे कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, जो वॉल वाइट भी नहीं है, मतलब कलर एक्यूरेसी बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको दिख रही है यहाँ पे, है ना। तो मैं अभी इस पे ओलेड टेस्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा इसका ओलेड टेस्ट होता है। इसके जो ब्लैक लेवल्स हैं बहुत अच्छे हैं, आप देखो ध्यान से, आप साइड में देख सकते हो थोड़ा सा लाइट आ रहा है अपनी खिड़की से, साइड में खिड़की से थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है। अगर पूरा पैक कर दिया जाए इसको तो अलग ही होगा। अब यहाँ पे आप देखो कैसा दिख रहा है आपको, तो ये पूरा वो टेस्ट हो रहा है ओलेड टेस्ट, और जो इसका ब्राइट एरिया से जो ब्लैक एरिया का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो मेरे को बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये 14-15 हज़ार रुपये में मिल जाता है ना, दिस इज़ लाइक आप थोड़ी देर में भूल जाते हो कि आप ओलेड टीवी देख रहे हो या आप एक प्रोजेक्टर देख रहे हो। मेरे पास इससे पहले जाओमी का युवा प्रोजेक्टर था, उससे इसका बेटर ब्लैक लेवल है। जबकि आप जानते ही हो कि मैं अपने दीवार पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कोई प्रोजेक्टर स्क्रीन नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा इसका आप देख रहे हो क्वालिटी आ रहा है ब्लैक का, लग रहा है कि ओलेड टीवी है, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा उसमें। और ये तो आपने देखा कि आपको ये दिख रहा है जब अंधेरा है, मैं अगर लाइट कर दूं, अब आप देखो ये पूरा लाइट आ चुका है, आप देख रहे हो मैंने जस्ट अपना पूरा जला दिया है एलईडी, फिर भी आपको पूरा का पूरा जो स्क्रीन है वो विजिबल है। जबकि आप अगर कोई दूसरा प्रोजेक्टर लेने के लिए जाओ ना, जिसमें विजिबल होना बंद हो जाता है। तो इसके जो ब्राइट एरियाज हैं, मान लो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, कि पूरा लाइट जलने के बाद भी इसके पास इतना ब्राइटनेस है कि आपको ये दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है। और ये आप अगर कोई दूसरा प्रोजेक्टर खरीदोगे 300-400 ल्यूमेन का, एनसी ल्यूमेन का, उसमें बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा। ऑल दो जो इमेज का क्लैरिटी है वो थोड़ा ख़राब होता है, बट वॉचेबल है। इवन दो इतना ज़्यादा लाइट है, इतना ज़्यादा लाइट है, फिर भी आप देख रहे हो कि आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, राइट। और मैं बता सकता हूँ कि पूरा ब्राइट लाइट है, और कलर भी मेरे को ये नहीं लग रहा है कि कलर कोई आपका क्वालिटी कलर का ख़राब हो गया, नहीं, कलर भी प्रॉपर दिख रहा है। मतलब ये ऐसे आप देख सकते हो लाइट में भी। अब मैं यहाँ पे लाइट को ऑफ करता हूँ तो आप देखो, अब मैं लाइट को ऑन करता हूँ, अब देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है, मतलब डिफरेंस तो हो रहा है, लेकिन जितना आप एक्सपेक्ट करोगे कि लाइट जलते ही इसका क्वालिटी ऐसा हो गया कि अनवॉचेबल हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लाइट जला के भी देख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लाइट ऑफ करने पे तो ये पूरा टीवी लगता है। तो कैसा लगा आपको ये पिक्चर क्वालिटी टेस्ट, मेरे को बताना। ये जो वीडियो चल रहा है ये इसी के ऐप, यूट्यूब ऐप पे चल रहा है, और थोड़ा इसका प्रोसेसर स्लो है, लेकिन जनरली आप फायर टीवी स्टिक या कोई टीवी स्टिक लगाओगे इसमें, फिर भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिर्फ 1080p चल रहा है यहाँ पे इसका, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये सिर्फ 1080p चला पाता है, और 1080p में इतनी अच्छी क्वालिटी मिलती है, 1080 60 चला रहा है, जबकि ये वीडियो पूरा 4K है। अगर मैं अपने उससे चलाऊँगा एप्पल टीवी से 4K, तो और भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी दिखती है, बट ये काफ़ी है। कैसा लगा जैटको युवा अल्ट्रा का पिक्चर टेस्ट, मेरे को बताना। इसको मैंने टेस्ट किया अंधेरे में भी, ओलेड टेस्ट भी किया, और मैंने इसको टेस्ट किया लाइट में भी, आपने खुद देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे को बताना कि क्या क्या टेस्ट करूँ इस प्रोजेक्टर का, अगर आपको लेना है तो, क्योंकि मेरे को लगता है कि 14-15 हज़ार में इससे बेटर प्रोजेक्टर पिक्चर क्वालिटी वाइज नहीं है।